سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کر لیں اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کر لیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باوز بلان صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریب نواز کے صدقے میں آج چھٹی تقریر ہے میں نے عرض کیا تھا ایک حدیث پاک کہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جنت کی جو چابی ہے وہ مسکینوں اور صبر کرنے والوں سے محبت کرنا ہے تو صبر کرنے والوں سے محبت یہ ہمارے لیے عبادت ہے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اور اللہ سے امید ہے کہ ان صابرین کی محبت ہمارے اندر بھی صبر کی لذت پیدا فرما دے گی اور اگر ہم بھی صابرین میں شامل ہو گئے تو پھر انعام الہی کا کیا کہنا کہ ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہم بھی قربت الہی معیت الہی کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے یہ صابر لوگ یہ صبر کرنے والے فقر میں شدت اور مشقت میں حالات کی تنگی میں جنگ و جدال کے درمیان بیماری اور آزاری کے وقت تمام پریشانیوں کے وقت صبر کرنے والے صبر کیا چیز ہے صبر یہی نہیں ہے کہ کوئی آپ پر ظلم کرے اور آپ اسے کچھ نہ کہیں یہی صبر ہے اپنی خواہشات پہ رک جانا یہ بھی صبر ہے بیجا تمناؤں پہ لگام دے دینا یہ بھی صبر ہے
अपनी जरूरतों पर कंट्रोल कर लेना यह भी सब्र है। बहकाने वाले आए तो न बहकना यह भी सब्र है। ज्यादा मुस्तकीम पर गामजन रहना, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहना, किसी तरफ न भटकना यह भी सब्र है। साबिर जो है वो अल्लाह की रजा से राजी रहता है। साबिर वही होगा जिसको अल्लाह की रजा महबूब होगी, जो खुदा की खुशनूदी का तलबगार होगा, जो अल्लाह की रजा का तलबगार होगा वही साबिर होगा, जिसे सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह की खुशनूदी होगी उसी के अंदर सब्र होगा। और पामर्दी के साथ, इस्तेकामत के साथ, मजबूती के साथ और तसलसुल के साथ अपने मिशन पर डटा रहना यह भी साबिर होता है। अपनी इस्तेकामत और अपने किरदार से, जिस मौकफ पर, जिस हक मौकफ पर वो चलता है और जो वो स्टैंड लेता है, उस मौकफ को अपने किरदार से जो साबित करता है उसी को साबिर कहते हैं। मुसीबतों के बादल आते हैं और छाते हैं, मशक्कतों के, दर्द के, गम के मीह बरसाते हैं, मगर साबिर उन मशक्कतों को बर्दाश्त करता है और उसकी जबान पर नाशुकरी के अल्फाज नहीं आते हैं, वही साबिर होता है और वही शाकिर हुआ करता है। इसीलिए इरशाद फरमाया गया है कि साबिर सब्र करने वाले के लिए दो अजर हैं, एक सब्र का अजर है और एक शुक्र का अजर है। यह हो ही नहीं सकता कि कोई साबिर हो और शाकिर ना हो। सब्र और शुक्र एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इधर पलटो तो सब्र है और उधर पलटो तो शुक्र है। सब्र और शुक्र एक पड़ोसी है, साथ में रहने वाले। अगर जबान पर शुक्र नहीं तो इंसान साबिर नहीं, और मजबूरी का नाम सब्र भी नहीं। नाशुक्री के अल्फाज ना आए, ज्यादा मुस्तकीम से आप टले नहीं। हालात कैसे भी हों, जो राहे इस्तेकामत है उसे आप तर्क ना करें। अपना वादा, जो वादा हो गया है उस वादे की पासदारी करें, हालात कैसे भी हों। अल्लाह से जो वादा कर लिया, वल्मूफूना बेअहदिहिम इज़ा आहदू, अल्लाह से जो वादा कर लिया उस वादे की पासदारी में हालात कैसा भी रुख करें, मगर अल्लाह के सामने ही जवाब दे रहना और अल्लाह ही के दीन की नुसरत के लिए डटे रहना, ऐसा शख्स साबिर हुआ करता है। और ये सब्र जो है ये बहुत बड़ी दौलत है दोस्तों। साबिर आदमी कभी हारता ही नहीं है, याद रखिएगा, ये नुस्खे कीमिया है कि साबिर आदमी कभी हारता ही नहीं है, क्योंकि हार तब हार लगती है, गम तब गम लगता है, सख्ती तब सख्ती लगती है, मसायब तब मसायब मालूम पड़ते हैं जब उन्हें महसूस किया जाए, जब उन्हें अपने ऊपर सवार कर लिया जाए। गम, रंज, तकलीफ इंसान को तभी परेशान कर पाती है जब तुम रंज और गम और मेहन को अहमियत दो, मगर सब्र करने वाला इसी रंज और इसी गम पर रंजीदा नहीं होता, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो जो दर्द और जख्म पर शुक्र अदा करेगा उसे गम ये हरा कहां पाएगा। जो गमों को ही सरमाए नजात समझेगा और जो गमों को ही अपनी मताए हयात समझेगा और जो दर्द को ही अपनी जिंदगी की पूजी समझेगा और जो जख्मों को अपने मोहब्बत की तस्बीह शुमार करेगा,
उसे कौन शिकस्त दे पाएगा? शिकस्त तो उसको दी जाती है जिसका दिल कमजोर हो, जिसकी जबान बेचैन हो, जिसके पैर इधर उधर हो जाएं। मगर उसको शिकस्त कैसे दी जा सकती है जो गम को ही अपना बिस्तर बना ले, रंज को रजाए मौला में ढाल करके अपने लिए सरमाए हयात बना ले। अरे जो गमों से खेलते हो, जो दर्द से मजा लेते हो, जो जख्मों के जाम पीते हो, जो हिजरो फिराक को भी नेमत समझते हो, उन्हें कौन सी बलाएं जो है अपने गिरदाब में फांस सकती हैं? नहीं दोस्तों, जाबिरों की कश्ती तो दुनिया में डूबती रही है लेकिन कभी साबिर की कश्ती नहीं डूबी है। जाबिरों की कश्ती एक दिन मुकाफात के भंवर में ऐसा मुलविस होती है कि फिर उस कश्ती का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन जो साबिर की कश्ती है वहां पर तूफान खुद ही बसेरा करता है। गम की लहरों पर साबिरों की कश्ती नहीं डगमगाती। ये वो कश्ती है जो नजात की कश्ती है, ये वो कश्ती है जहां पर मसाफतें तय की जाती हैं, मौजों से खेला जाता है, मौज उस कश्ती का बोसा लेती है। हमें और आपको अपनी लकड़ियों की कश्ती डूब जाने का गम होता है, मगर आओ हम सब मिल करके सब्र की कश्ती पर सवार हो जाएं। कोई समंदर उसे डुबो नहीं सकता है, कोई मौज उसे मुतासिर नहीं कर सकती है, और ये कश्ती साहिल नजात तक खुद भी पहुंचती है और जो उसमें सवार होता है उसको भी पहुंचा देती है। सब्र वो दौलत है। ये सब्र एक ऐसा मौजू है दोस्तों, कुरान में किसी सिफत का इतनी बार तस्किरा नहीं हुआ जितना सब्र का है। सब्र की बड़ी खूबियां हैं, अगर इन खूबियों में जाया जाए तो कई रात सिर्फ सब्र ही के मौजू पर। अब हम सब्र अगर समझें तो पहले साबिरीन से समझें, मुख्तसर भी हमारे लिए है और मुकम्मल भी हमारे लिए है। सब नबियों की सब्र जो है नबियों की विरासत है। सब्र जो है करके इंसान अपने किरदार को साबित करता है। ईफाए अहद में, वादे की तकमील में जो भी मंजिल आ जाए उस मंजिल को सब्र और शुक्र के साथ उस मंजिल तक पहुंचा जाता है और रास्ते की सोबतों से सब्र और शुक्र के साथ मुकाबला किया जाता है। मोहब्बत है, दोस्ती है, खुल्लत है, साबित करना है अपने वादे को कि हां वाकई तुम खलील हो। और जब साबिर आदमी के सामने आजमाइशों के दरवाजे खुल जाते हैं तभी तो पता चलता है कि वो साबिर है। आजमाइश ना हो तो पता कैसे चले। मशीयत ने ख्वाब दिखाया, कुदरत ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को ख्वाब में ये बताया कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, अपने लखते जिगर को, अपने नूरे नजर को, जिगर गोशे खलील यदे खलील से जबह हो रहा है। एक बाप अपने बेटे की कुर्बानी का ख्वाब देख रहा है। किस कैफियत के साथ खलीलुल्लाह ने सब्र किया होगा? चूंकि इब्राहिम का ख्वाब इब्राहिम जानते थे, बेटे को जबह करने का अमल बगैर सब्र के और बगैर शुक्र के पूरा हो जाए? अरे बेटों के लिए लोग बिगड़ तो जाते हैं, बेटों के लिए लोग नाइंसाफी कर देते हैं,
बेटों के लिए लोग एक दूसरे के हुकूक को पामाल कर देते हैं, बेटों के लिए बहक जाते हैं, खुद जिंदगी भर अच्छे भी रहते हैं तो जाते जाते अपने बेटों के लिए कुछ गलतियां कर जाते हैं। बेटों को मोहब्बत ऐसी मोहब्बत, माल और औलाद फितना है, इसी फितने को आजमाइश, फितना का मतलब आजमाइश। बाप ने ख्वाब देखा कि बेटे को जबा कर रहा हूं, पूछा जरा बेटे ही से बताऊं, आप बताओ कि ये कितना पर्सनल ख्वाब था, देखने वाला जाने और दिखाने वाला जाने। अगर किताब में आ जाता, वही में आ जाता, आवाम जान जाती तो कहा जा सकता था कि बात सबके सामने जाहिर हो गई, इसलिए चलो सबके सामने कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, मगर नहीं, ख्वाब की बात है। चाहते तो छुपा लेते, चाहते तो किसी को न बताते, और बेटे की मोहब्बत में कुर्बानी से रुगर्दानी कर लेते। वो बाप बन करके सोचते तो कुछ भी कर सकते थे, मगर वो बाप बन करके नहीं सोच रहे थे, वो अल्लाह के खलील बन करके सोच रहे थे। अल्लाह के बंदे बन करके सोचोगे तो सही फैसला करोगे। जब कोई बाप बन करके फैसला करता है, सिर्फ बाप बन करके, सिर्फ बेटा बन करके, सिर्फ रिश्तेदार बन करके, तो इंसाफ के तराजू कभी कभी डगमगा जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह के सच्चे और पक्के बंदे बनकर के फैसला करोगे, जमाना बदलेगा, हालात बदलेंगे, रिश्ते इधर उधर होंगे, लेकिन अल्लाह का बंदा जो है फैसला हक पे करेगा, सिराते मुस्तकीम पे करेगा। इसलिए खलील बन के सोचा उन्होंने, बाप बन के नहीं सोचा। बाप बन के सोचते कहते कौन बताए इस ख्वाब को, छोड़ो रहने दो, हमारा बेटा बचा रहेगा। और ये ऐसा ख्वाब नहीं था दोस्तों, ये अपने बेटे को जबा करने का ख्वाब था। इसे हैरत में, ये महीना खत्म हुआ है कुर्बानी का और ये मुहर्रम का शुरू हुआ है, यही संगम है कुर्बानियों का। इसीलिए मैं इससे पहले कि अहले बैत रसूल के सब्र की दास्तान को आगे बढ़ाऊं, जरूरी है कि इस सब्र के पीछे जो सब्र तमहीद बांध चुका हो और जहां से इन कुर्बानियों की ईंट रख दी गई थी, वहीं से मैं इस तस्करे का आज आगाज कर रहा हूं। ख्वाब देखा, बाप बन के नहीं, खलील बन करके। खलील हो तो वादा है, दोस्त है तो वादा है, दोस्त है तो वफादारी है, दोस्त है तो इताअत और मोहब्बत है। अब मोहब्बत एक तरफ है, रिश्ता एक तरफ, यहीं से साबित पड़ेगा कि बाप हो कि खलील हो, कि सिर्फ उबूवत है, उबूवत पर फैसला करते हो या मेरी खुल्लत पर फैसला करते हो, मेरी दोस्ती पर फैसला करते हो। मगर जो खलील हो उससे ज्यादा साबिर कौन होगा, उससे ज्यादा शाकिर कौन होगा। फौरन जब ख्वाब मुतअद्दिद बार देखा तो अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका, मैं मुसलसल इधर ख्वाब देख रहा हूं, मुतवातिर देख रहा हूं, अरा फिल मनाम, मैं देख रहा हूं ख्वाब में कि मैं तुम्हें जबा कर रहा हूं, मैं तुम्हें कत्ल कर रहा हूं, अब बताओ आज के बेटे हों और उनका बाप इस तरह कह दे कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें जबा कर रहा हूं, तो आज के बेटे कहेंगे इससे पहले कि तुम मुझे जबा करो मैं तुम्हें जबा कर देता हूं। मगर फरमाबरदारी देखो अपने बाप की, अपने वालिद की फरमाबरदारी देखो, बाप जबा कर रहा है फिर भी जबा होने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इस्माइल को भी मालूम है कि मेरा बाप कौन है। ये बताओ, दुनिया भर के मुफ्ती अगर इकट्ठा हो जाएं और ये फैसला लें कि ख्वाब में देखी हुई चीज पर अमल करना कैसा है,
सारे लोग फैसला करें तो आपको बता दूं फैसला यही होगा कि ख्वाब पर अमल करने के लिए, ख्वाब में तालीम है, रुश्दो हिदायत है, ताबीर है, सब कुछ है, मगर ख्वाब पर अमल करना ये शरीयत में जरूरी नहीं। आप कुछ भी ख्वाब देख लें, मिसाल के तो आप देख लें कि मैं ज़बह कर रहा हूं, आप इस पर फैसला करेंगे? जी नहीं। आप ख्वाब देख रहे हैं कि मैंने ये ज़कात अदा कर दिया, हो गई, ख्वाब पर नहीं। ये ख्वाब था, ख्वाब तो कोई भी देखता रहता है, कुछ भी देखता रहता है। ये इब्राहिम के ख्वाब को ख्वाब ही क्यों ना रहने दिया? इस्माइल तैयार क्यों हो गए? इस्माइल बताएंगे अपना अकीदा। अरे ये दूसरों के ख्वाब हैं जिस पर अमल करना जरूरी, दूसरों के ख्वाब और हैं, खलील का ख्वाब और है, नबी का ख्वाब और है। दूसरों का ख्वाब ख्वाब होता है, नबी का ख्वाब वही इलाही हुआ करता है, अमरे रब्बी हुआ करता है, खुदा का फरमान हुआ करता है, सच्चाई की जमानत हुआ करता है। अब उनका तस्करा मैं नहीं करूंगा जो कहते हैं कि नबी हमारे तरह है, इसके लिए अपने पास कम वक्त है, हम अपनी इसलाह ज्यादा चाहते हैं। बस उनको बस इससे इशारा समझ लेना चाहिए, तुम ख्वाब देखो तो कुछ और है और नबी ख्वाब देखे तो वही है। जब तुम ख्वाब के बराबरी नहीं कर सकते तो तुम जिंदगी की बराबरी क्या कर पाओगे? जब तुम नबी के ख्वाब के बराबर नहीं हो सकते तो उनकी जनाब के बराबर कैसे हो सकते हो? उनकी सुबह शाम के, कहते हैं हम सजदा कर ले ज्यादा तो ज्यादा साजिद हो जाएं। अरे जब तुम ख्वाब के बराबर नहीं कर सकते, ना तुम्हारा ख्वाब नबी के ख्वाब के बराबर नहीं तो नबी के सजदे की तरह तुम्हारा सजदा नहीं, नबी के रोजे की तरह तुम्हारा रोजा नहीं, नबी की इबादत की तरह तुम्हारी इबादत नहीं, नबी के कलाम की तरह तुम्हारा कलाम नहीं, नबी की आल की तरह तुम्हारी आल नहीं। बेटे ने भाग नहीं गया, घर छोड़ के बेटा भाग नहीं गया। आज का बेटा हो तो या तो जो मैंने कहा है उसके लिए तैयार हो जाएगा और या तो घर छोड़ के भाग जाएगा। मगर देखिए इस्माइल तैयार है और क्यों तैयार हो गए? क्यों, कहां से सीखा इस्माइल ने? शायर हैरान है, कह रहा है ये फैजाने नजर है या मकतब की करामत है? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जिंदी? इतना मुअद्दब इस्माइल कैसे हो गए? ये नजर का फैजान है या किसी मकतब में पढ़ा है? दोस्तों ये मकतब की पढ़ाई नहीं है, ये फैजाने नजर ही है, ये तरबियत खलील है। खलीलुल्लाह ही किसी को जबीउल्लाह बना सकता है। ये तरबियत का भी इम्तिहान है, खलील का भी इम्तिहान है और उनकी तरबियत का भी इम्तिहान है कि बेटा कैसा है। बाप तो खलील है, अब्दे जलील है, बेटा कैसा है? तो बेटे ने भी बता दिया कि जो अल्लाह की मोहब्बत और सब्र और इस्तिकामत और रजा के माहौल में पलता है वो भी अपने लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या फरमा, क्या कहा? या अवती इफाल मातूमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। ऐ वालिदे गिरामी, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, आपको जो हुक्म मिला है, देखिए हुक्म का अकीदा है, मालूम है कि हजरत इब्राहिम को हुक्म इलाही है, आपको जो हुक्म मिला है उसे कर गुजरिए और जहां तक मेरी बात है तो इंशाअल्लाह मुझे आप साबरीन में से पाएंगे, मुझे आप साबरीन में से पाएंगे। एक तरफ खलील का सब्र और एक तरफ बेटे का सब्र का, मुझे साबरीन में से पाएंगे, यानी साबरीन की तादाद है, मैं भी उन्हीं साबरीन में से हूं जिनके लिए वबशिर साबरीन कहा गया।
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, तो मुझे आप साबिरीन में पाएंगे। वाकया निगारी मकसूद नहीं है। फिर हजरत खलील तैयार हो गए, चलो चलो कुर्बान गाह की तरफ, क्योंकि अभी तो बात तय हुई है, जब तक की ना जाए तो साबित नहीं है। लोग बहुत सी लंबी लंबी बात कह के बाद में बात खत्म कर देते, मगर नहीं, चलो कुर्बान गाह की तरफ। बे आबो गया मैदान में वादिये गैर जी जरा, ये क्या बात है, इस्माइल की कुर्बानी के लिए वादिये जी जरा चुना जा रहा है, सेहरा को चुना जा रहा है। का इसलिए चुना जा रहा है, इब्तिदा शहादत की इब्तिदा भी सेहरा में होगी और शहादत की इंतहा भी करबला सेहरा में होगी, वो भी रेगजार में, ये भी रेगजार में, दोनों, एक शहादत की इब्तिदा होगी और एक तकमील होगी, और दोनों के लिए सेहरा चुना गया। चलो वादिये गैर जीजराम चले, मिल गया बहकाने वाला। ए इस्माइल, हाजरा को बहकाया ना मुराद लौटा, इस्माइल के पास आया। आप ये समझ रहे हैं कि आप कहीं सैर और तफरी इसमें जा रहे हैं? जी नहीं, ये आपको राह खुदा में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, आपकी गर्दन काटने के लिए ले जा रहे हैं। इस्माइल ने जवाब दिया, अगर ये अल्लाह के नाम पर मुझे कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, तुम क्यों परेशान हो? शैतान का इसमें क्या मामला है? रहमान कह रहा है तो बंदे रहमान भी तैयार है। ये सादत कहां कि अल्लाह कुर्बानी ले, गर्दने तो बहुत से लोगों के पास हैं, जाने तो बहुत से लोगों के पास हैं, माल तो बहुत से लोगों के पास है। याद रखना, अगर तुम्हें माल कुर्बान करना पड़े, जान कुर्बान करना पड़े, मेहनत कुर्बान करना पड़े, तो एहसान मत जताओ, रब के शाह शाकिर बंदे बनते नजर आओ कि बहुत से लोगों के पास माल है, बहुत से लोगों के पास जान है, बहुत से लोगों के पास मेहनत का जज्बा है, लेकिन ये रब का करम है कि तुम्हारी गर्दन को पसंद किया, तुम्हारी जान को पसंद किया, तुम्हारे माल को पसंद किया। तो आए हुसैनियों, जो तुम रात और दिन इमाम हुसैन की मोहब्बत में खर्च कर रहे हो, जाग रहे हो, एहसान न जताना, एहसान मानो कि हुसैन ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। गर्दनें तो बहुत हैं, लेकिन जिसे चुना जाता है उस गर्दन पे लाखों सलाम। गर्दन को चुना गया, तैयार हूं। इब्राहिम को भी, तो ये बहकाने वाले बीच में आ जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने कंकरियां मार दी, मारी, भागा। तंबीहुल गाफिलीन से जब काम लिया तो शैतान भागा, तो कभी कभी शैतान इस तरीके से भी भागता है। जब कोई आपको बहकाने आए और ना माने, तो कभी कभी हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब आप देखें, जहां कंकरी मारा वो आज तक यादगार है, वो आज तक यादगार है। ये बात इस मौजू से मुतालिक है, इसलिए थोड़ी सी कह के आगे गुजरूंगा, अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करूंगा। आज तक हाजी वहां जा करके कंकरी मार रहा है, तो शैतान क्या मौजूद है, खड़ा है वहां पे, दिखाई दे रहा है? नहीं, वहां था, वहां था, उस जगह को मारो, उस जगह को मारो जहां शैतान था, उस जगह को कंकरी मारो जहां शैतान था, वो जगह उसकी यादगार,
और मारने की यादगार, ताकि शैतान से खुलेआम दुश्मनी का ऐलान रहे और बंदा बताता रहे कि बंदे रहमान का कभी शैतान से मिलाप नहीं हो सकता। हम हर साल शैतान को कंकरी मार करके उससे अपनी अदावत का ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह के मोहब्बत के दीवाने हैं और शैतान के दुश्मन हैं। इस दुश्मनी की रस्म को भी हम जारी रखेंगे। ये दुश्मनी की रस्म भी मोहब्बत की रस्म। हम शैतान, अच्छा जहां शैतान दिखाई नहीं दे रहा वहां तो मार रहे हो, और जहां दिखाई दे दे, दिल में दिखाई दे तो दिल में मारो, दिल में दिखाई दे तो दिल में मारो, तो दिल में दिखाई दे, दिल में पता चले तो दिल में मारो। दिल में कैसे मारोगे? दिल में मारो अल्लाह के नाम से, उसके जिक्र से, ला इलाहा इल्लल्लाह की जर्ब से अपने दिलों पर चोट मारो, तुम्हारा दिल मुनव्वर हो जाएगा। हमें दिल पर जब ला इलाहा इल्लल्लाह की जर्ब लगती है तो याद रखना कि दिल मुनव्वर हो जाता है। और जैसे असाए मूसा पत्थर पे जब पड़ा तो पत्थर चूर हो गया, उससे 12 नहरें जारी हो गई। ऐसे ही अगर तुम अपने दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह की जर्ब मारोगे तो ये असाए मूसा से तुम्हारे दिल के पथरीले वादियों को चूर कर देगा। और ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ भी 12 हैं तो असाए मूसा की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह से वहदत की, इरफान की, अल्लाह की मोहब्बत की 12 नहरें जारी हो जाएंगी। यहां तक तो बात है, मैं कहता हूं गौर किया जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12 हरफ। तो एक तरफ वहदत की नहरें और एक तरफ मोहब्बत की नहरें दोनों जारी हो जाएंगी, रसूल की महबूबियत की। तो शैतान को मारो। अच्छा ये बताओ जहां मारते हैं क्या वो शैतान की तरह है? शैतान से मिलता जुलता है? ये पत्थर बनता चला जा रहा है, ऊपर उठता चला जा रहा है, क्या वो शैतान की शक्ल का है? मगर आप यादगार मनाते हैं। शैतान की भी शक्ल का ना हो तब भी यादगार मनाते हैं तो कौन है? को कहते हैं एकदम उसी शक्ल का होना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए। अबे शैतान की जब नहीं शक्ल है उस तरह तो यादगार मना रहा है, तो मोहब्बत की यादगार भी हर तरह से मनाई जा सकती है। मोहब्बत की शक्ल ले गए, लिटाला, छुरी चलाई, तफसीलात हैं, कपड़ा बांधा, आंखों से पट्टियां बांधा, छुरी चलाई। एक रवायत में है कि छुरी जो है वो चल ही नहीं रही है, चला रहे नहीं चल रही है, जबकि छुरी की फितरत में काटना है। ऐ छुरी क्यों चल नहीं रही है? तो छुरी जबाने हाल से कहती है खलील चला रहा है और रब्बे जलील रोक रहा है। खलील कह रहा है काट और रब्बे जलील कह रहा है कि काटना नहीं। अब मैं खलील की मानू कि रब्बे जलील की मानू? तो जाहिर है कि रब्बे जलील ही की मानूंगी। सवाल पैदा होता है कि जब बचाना था तो फिर कटाया क्यों, और जब काटने लगे तो फिर बचा क्यों रहे हो? कहा इसलिए कि इम्तिहान हो जाए, इम्तिहान मुकम्मल हो जाए, दिल टटोल लिया जाए, ख्वाब को देख लिया जाए कि वाकई ये कामिल तौर पर पूरा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, अपनी खुल्लत साबित करते हैं कि नहीं। जान पर जब बात आई थी तो अपनी जान दे दी थी, नारे नमरूद में बच गए थे, अब औलाद के लिए देखिए क्या करते हैं ताकि मुकम्मल कुर्बानी की दास्तान मुकम्मल हो जाए। तो औलाद के लिए भी तैयार है। छुरी ने कहा मैं रोज काटती हूं, जरा गर्दन बदल के देख। रब के इरशाद से कुर्बानी की तकमील हुई, गर्दन बदल दी गई, दुम्बा जबा हो गया, दुम्बा जबा हो गया। खलील ने पट्टी खोली, इरशाद रब्बी हुआ कद सद्दक तक रोयाया, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये साबित कदमी नहीं तो क्या है? ये सब्र नहीं तो क्या है?
ये हजरत इस्माइल को देखो, उनका जज्बा था कि अल्लाह की मोहब्बत में अगर आप गर्दन काटने के लिए तैयार है तो मैं अल्लाह की मोहब्बत में गर्दन कटाने के लिए तैयार है। तुम साबित करो कि तुम खलीलुल्लाह हो, हम साबित करेंगे कि हम ज़बीहुल्लाह हैं। आप अपना सबूत दीजिए, हम अपना सबूत देते हैं। दोस्तों आप देखें कि ये कुर्बानियां और ये इस्तिकामत, ये सब्र, ये रजा, ये अल्लाह की रजा। मेढ़ा आ गया तो जो साबिरीन होते हैं वो सब्र करते हैं, और सब्र करने वाले को अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन बारिक व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरबियत, साबिर घराना, सब्र का अंदाज बता दिया, कुर्बानी के जज्बे का, इसार का अंदाज बता दिया। ये तो तरबियत खलील की थी। अब तरबियत है मुस्तफा की, नबी के वजूद में सब्र जो है वो अपना जलवा बिखेर रहा है। ताइफ की गलियों में है, जुल्म और तशद्दुद के आगे जो पांव से पंजों से खून बहने लगा, तो पहाड़ बादलों हवाओं उनके फरिश्ते बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, कहिए तो ताइफ की पूरी वादी को पलट दूं, मगर नहीं, सरकार ने अपने पंजों से खून का बहना तो बर्दाश्त किया मगर उनके हक में बद्दुआ नहीं करवाई न की, और न उससे राजी हुए कि इन्हें तबाह कर दिया जाए, बल्कि उनकी हिदायत के लिए दुआ मांगी। पत्थर खाए, गालियां सही रसूल, मजनू और पागल कहा गया, मगर पलट करके किसी को जवाब नहीं दिया, सब्र किया। हम छोटी छोटी बात नहीं बर्दाश्त कर पाते। रसूलुल्लाह को देखो, जिनकी जिंदगी की सुबह शाम सब्र से इबारत हो गई थी। सब्र नबी का वरसा, और उन साबिर ने इस वरासत को अपने खानदान को सुपुर्द कर दिया। ये वरासत, ये सब्र की सिफात, सब्र दुनिया को कराना, सब्र दुनिया को बताना, ये बातिन की हालत है, इसे दुनिया को कौन बताएगा? उसे सबसे कहा, इसे अली बताएंगे, इसे फातिमा बताएंगी, इसे हसन और हुसैन दुनिया को सामने बताएंगे। लोग सब्र बताते हैं, मगर मेरा घराना लोगों को सब्र दिखाएगा। रसूल ने फातिमा को सब्र सिखाया, अली को सब्र सिखाया, हुसैन को सब्र सिखाया। कोई दौलत की मोहब्बत पैदा नहीं होने दी, कहीं भी सरमाए का ख्याल नहीं आने दिया, अपने खानदान को अल्लाह की रजा की चादर में जीने की हमेशा तलकीन करते रहे और बताते रहे कि आगे के मार्के तुम्हारे सब्र से हल होंगे। फातिमा सब्र करना, फातिमा ने कैसे सब्र किया होगा जब रसूल इस तारे फानी से लब्बैक कहने वाले होते हैं बारगाह इलाही में। उस वक्त हजरत फातिमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई हैं,
सरकार ने कान में हजरत फातिमा से कुछ फरमाया तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर एक थोड़ी देर के बाद कान के पास देहन मुबारक ले गए, फिर फरमाया तो हंसने लगी। हजरत आयशा ने यह मंजर देखा, बाद में पूछा है फातिमा ये क्या मंजर था, थोड़ी देर में रोना और थोड़ी देर में हंसना। का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मर्ज में मुब्तला है, आपने फरमाया है कि मैं इसी मर्ज में इस दार फानी से दार हकीकी की तरफ कूच करूंगा। इसे सुनकर के मैं रोने लगी। फिर मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे सब्र की तलकीन की, क्या ए फातिमा परेशान ना हो, परेशान ना होना, सब्र करना। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी, सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी, और क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि तुम जन्नती औरतों की सरदार होगी। तो हजरत फातिमा ये सुनकर के मुतबस्सिम हुई, मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। फातिमा कहां खुश हो गई, सरकार से मिलने पर, जन्नती औरतों की सरदार होने पर। आप देखें कि जन्नत कितनी बड़ी दौलत है कि जहां की औरतों की सरदार फातिमा को कह दिया तो वो रसूल के मर्ज में भी वो हंसने लगी। ये होता है, ये बगैर साबिर आदमी ऐसा नहीं हो सकता। साबिर ही गम भूल करके अल्लाह की नेमतों की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के ज़ौफ़ और नकाहत का आलम है। अंसार जो रसूल पाक की नुसरत करने वाले थे वो परेशान होते हैं, हर वक्त आहो बुका में हैं, मसरूफ हैं, रो रहे हैं कि सरकार कहीं इस मर्ज़ुल मौत में हम सबको बेकरार छोड़ करके न चले जाए। सरकार के सहाबा परेशान हैं। सरकार ने फरमाई कैसी आवाजें आ रही का हुजूर, अंसार परेशान हैं। सरकार ने बुलाया का हजरत फजल अब्बास और हजरत अली से कहा मुझे ले चलो मस्जिद की तरफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और मिंबर पर बैठ करके खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द और बड़ाई की, अपने आमाल बहुसन खूबी अंजाम देने की बातें बताई। फरमाया हमने क्या नहीं किया, पत्थर खाए, जख्म सहे, गालियां सही, रंजो मेहन के पहाड़ टूटे, शाबे अभी तालिब में महसूर रहा, ये सारी कुलफतें दिक्कतें हमारे साथ गुजरी, मगर बताओ क्या मैंने फराइज को अंजाम देने में कोई कोताही की, क्या मैंने सब्र का दामन छोड़ा, क्या मैंने शुक्र से रुगरदानी की। सारे लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आपने निहायत अमानतदारी के साथ मनसबे रिसालत पर फायज होकर के सारे उमूर को अंजाम दिए, हमेशा अल्लाह के बंदे साबिर और शाकिर बन करके रहे, हमेशा आपकी जिंदगी सब्र शुक्र से रही, आपने किसी से कोई शिकवा और शिकायत नहीं किया। सरकार ने इस खुतबे के बाद जुहर की नमाज पढ़ी और जुहर की नमाज पढ़ने के बाद फिर मुखातब हुए लोगों से। किस्सा बड़ा तवील है, मुतवातिर मुख्तलिफ रवायात हैं। सरकार ने फरमाया आप बताओ जिन लोगों के हुकूक मेरे जिम्मे रह गए हों वो मुझसे मुतालबा कर सकते हैं, जैसे भी हुकूक हों, माल है, किसास है, कुछ भी हो वो मुझसे वो मांग सकते हैं। और याद रखना वो मांगने में जरा भी महसूस ना करें। सरकार दिल को भी तसल्ली दे रहे हैं कि हिचको नहीं, झिझको नहीं, अपने हुकूक तुम मुझसे मांग सकते हो, इसलिए कि जो हुकूक को दिलाने आया है, देने आया है, वो अपने मामले में झिझकेगा क्यों, मांग सकते हो जिसके जिम्मे जो हो।
जब सरकार ने बहुत इसरार किया तो एक साहब खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपने इतना इसरार फरमाया है तो मैं कहता हूं कि फलां जंग के मौके पर, फलां मौके पर एक मरतबा एक फकीर आया था, तो आपने कहा था कि 3 दिरहम उसने मांगा, तो आपने कहा दे दो, तो मैंने दे दिया था। तो वो 3 दिरहम का मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो भी आपके ही इरशाद के मुताबिक। सरकार ने हजरत फजल अब्बास से कहा कि इनके 3 दिरहम दे दो। देखिए आप, जाने से पहले, इस दारे फानी से जाने से पहले सरकारे दो आलम क्या एहतमाम कर रहे हैं कि हुकूकुल इबाद में कोई चीज रह ना जाए, बंदों का जो हक है वो कहीं रह ना जाए। न जाने कितने जुल्म किए होंगे हमने और आपने, न जाने कितने सितम किए होंगे, न जाने कितने लोगों के दिलों को तोड़ा होगा, न जाने कितने हुकूक की पामाली की होगी, न जाने कितने का माल गसब किया होगा। दुनिया से जाने से पहले इंतजाम कर लो कि कोई तुमसे नाराज न रहने पाए, किसी का हक तुमसे महरूम न रहने पाए, कोई तुमसे जो है मजबूर न रहने पाए। हमेशा तमाम हुकूक को अदा करके इस दुनिया फानी से कूच कर जाओ, वही आदमी कामयाब है जिसके बाद जाने वाला शिकायत करने वाला ना हो, मजलूम ना हो, हुकूक अदा करने वाला हो। अब आप सोचें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि जाने से पहले हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद कामिल तौर पर तुम अदा कर दो। वो जिंदगी कैसी है जो लोगों से छीनी हुई, उनकी राहतें और उनकी मसरतें छीन ली गई हैं? नहीं दोस्तों, आज भी सवेरा है, तौबा का दरवाजा खुला है, पता नहीं मौत का फरिश्ता कब चला है। इसलिए तुम्हारा नफ्स जानता है कि तुमने किस पर जुल्म किया है, किसका हक छीना है और किसके साथ बदसलूकी की है, ये तुम्हारा दिल जानता है। अभी सवेरा है, उठो और सबके हुकूक की अदायगी करो। तुम्हारा ये हुकूक अदा करना ये सुन्नत रसूलुल्लाह हो जाएगा। आपने का और कुछ हक रह गया हो तो एक वाकया बड़ा मशहूर, बड़ा आम और बड़ा दिलकश वाकया है कि हजरत अकाशा मोहसिन असदी वो खड़े हो गए का सरकार एक मौके पर जब आप ऊंटनी पर सवार थे तो ऊंटनी पर शिद्दत फरमाने के लिए आपने चाबुक मारा तो वो चाबुक मुझको लग गया था। तो मैं चाहता हूं जब आप इसरार कर रहे हैं तो मैं उसका किसास लूं। तो सरकार ने पूछा, ये बताओ कि वो चाबुक कौन सी थी? चूंकि सरकारे दो आलम की जिंदगी, कभी कौन सी चाबुक इस्तेमाल, कभी कौन सी चाबुक, इंसाफ देखो, इंसाफ देखो। कहा वो चाबुक कौन सी थी? कहा वो ऐसी थी वैसी थी, उसकी निशानी बताई। हजरत सलमान से कहा जाओ फातिमा के घर में वो चाबुक है और जाओ उसे लेकर के आ जाओ। हजरत सलमान फारसी गए, फातिमा के घर से वो चाबुक ली। हजरत फातिमा तड़प गई, वालिद गिरामी रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शिद्दत का मर्ज है, इसमें सवारी का मौका कहाँ है। हजरत सलमान ने पूरा वाकया जब हजरत फातिमा के सामने पेश किया तो हजरत फातिमा तड़प गई और बारगाह इलाही में हाथ उठा दिया, अल्लाह उनसे किसास लेने वाले, उनसे बदला लेने वाले के दिल में रहम फरमा दे। मेरे वालिद मरीज हैं, अब्बा जान मरीज हैं, उनको इस मर्ज और इस शिद्दत में ऐसे चाबुक, उनकी तबीयत का ख्याल किया। हजरत फातिमा बे इंतहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी, अपने बाप को मानने वाली बेटी बहुत मोहब्बत करती है अपने बाप से। हजरत फातिमा बे इंतहा मोहब्बत करती थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सरकार भी, आप फरमाते थे फातिमा बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अपनी बेटियों को मोहब्बत की नजरों से देखने हो, देखो, अपने बेटियों को ही अपनी दौलत समझो और अपनी बेटियों को जहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत समझो, यही सरकार की सुन्नत है।
फौरन हजरत फातिमा चाबुक लेकर के गए। हजरत फातिमा ने हसन और हुसैन को दौड़ाया, आ जाओ, नाना जान को जो चाबुक मारी जाएगी उस चाबुक के हर वार को अपने अपने बदन पर 100-100 मर्तबा ले लो, मगर नाना जान के बदन पर वो चाबुक न पड़ने पाए। सलमान फारसी लेकर के आए, मस्जिद में भीड़ है, हर सहाबी निसार हो रहा है, समझा रहा है कि अवकाशा हमको मार लो, इसके बदले में हमको मार लो, मगर वो अपनी धुन में मस्त हैं। अब देखें आपके हसन और हुसैन भी पहुंचते हैं, इमाम हसन और हुसैन भी पहुंचते हैं और अपने बचपने के आलम में ही अर्ज करते हैं, ए अवकाशा ये चाबुक मुझे मार लो, मगर मेरे नाना जान के बदन पर मत लगाओ इसको, मेरे नाना जान बहुत कमजोर नहीं फना तमाम है, बीमार हैं, शिद्दत बुखार और मर्ज से नहायत नकाहत तारी है उनको, मगर वो अपनी धुन में मस्त है। सरकार ने हसन और हुसैन को गोद में लिया, कहा बच्चों परेशान मत हो, किसास मुझे देना है, जिसके ऊपर है वही किसास देगा, किसास मुझे देना है, तुम अलग हो जाओ। अब बताइए कैसा मंजर रहा हो, वो रसूल जो दुनिया को जुल्म और सितम से आजाद करने आया, जिसने पूरी इंसानियत को कैदोबंद से आजाद कर दिया हो, हुर्रियत के नगमे जिसने कायनात के एक एक गोशे में बसाव रचा दिए होंगे, जिसके कदम मोहसिन इंसानियत बनकर के पूरे कायनात में जलवागर हो गए, उनकी बरकतें जलवागर हो गई, आज इंसाफ का कैसा मेयार कायम कर रहा है। अमीर हो, मुख्तदा हो, रहनुमा हो, पेशवा हो, अगर वो ताजीरात शरीयत की हद में आ गया तो उसे भी तैयार रहना चाहिए, ये समझ लेना। कोई कितना बड़ा हो, कितना भी करीबी हो, ताजीरात शरीयत जो है उस पर हद जो है जारी रहेगी। इंसाफ का तो ये आलम, ये चोरी के मसले में जब सरकार ने हाथ काटने का हुक्म दिया तो सिफारिश की गई, तो सरकार ने फरमाया अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। इससे पता चलता है कि हद जो है ताजीरात शरीयत में सब बराबर हैं, वो सादात पे भी जारी होगी। अब आप देखें उसके बाद अकाशा ने कहा जब आपने मुझे आपकी चाबुक मुझे जब लगी थी तो उस वक्त मैं नंगी पीठ था, इसलिए आप भी अपने दोष से लिबास उतारें। अब दोस्तों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऊपर का लिबास उतार दिया और आपके दोषे मुबारक पुश्ते मुबारक बरहना हो गई। उकाशा चाबुक लेकर के बढ़े, सरकारे दो आलम के करीब हुए और दोनों कंधों के दरमियान जो मोहरे नबुवत चमक रही थी उस मोहरे नबुवत से लिपट गए, उसे चूमने लगे और बोसा देने लगे। या रसूल अल्लाह, ये उकाशा की मजाल नहीं कि आपके ऊपर हाथ उठाए, मैंने तो ये सारा फेल इसलिए किया ताकि मुझे मोहरे नबुवत को चूमने का मौका मिल जाए, मुहरे नबुवत चूमने का मौका मिल जाए इसलिए कि मैंने आपका एक कौल सुना था, मन तमस्सा जिल्दी वलन तमस्सा हुन्नार, जिसने मेरी जिल्द को मेरे बदन को जिसने छू लिया उसे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी, उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। मैंने सोचा आज मैं आपकी मेरे नबुवत को पोसा दे दूं ताकि मेरा वजूद भी जहन्नम की आग से महफूज हो जाए। तो दोस्तों निस्बतें इस तरह काम करती हैं, लोग मोहब्बत से सादात का नस्बत रसूल का जो एहतराम करते हैं, हाथ चूमते हैं, इस पे हैरत ना करो, नस्बतों का ये फायदा मिलता है, नस्बतों का ये अंदाज होता है। तो हम सबको अपनी नस्बत को बचाए रखना चाहिए, नस्बत बची है तो सब कुछ बची है। दोस्तों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ
और उनसे ये मोहब्बत का जो मंजर आपने मुलाहजा किया, ये सब इसमें सब्र की तलकीन है कि किस तरीके से अपने आप को रोके, वरना आदमी साबिर ना हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, मैं तुम्हारा मोहसिन हूं, मैंने तुम पर एहसान किया है, मगर नहीं, सरकार सैयदुस्साबिरीन थे। सब्र और रजा के साथ काशा के हम लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। ये सैयदुस्साबिरीन का फेल है, इमामुस्साबिरीन का फेल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ज पर तशरीफ फरमा है, अहले बैत जलों में घेरे हुए हैं, बाहर से आवाज आई, इसने हाजिरी चाहता हूं। मुख्तलिफ रवायतें हैं, एक रवायत पेश कर रहा हूं, इसने हाजिरी चाहता हूं। हजरत फातिमा ने मना किया, फिर दोबारा इजाजत ली गई, फिर हजरत फातिमा ने मना किया, फिर दोबारा निहायत हैबतनाक आवास में इजाजत ली गई कि सारे लोग दहल गए। हजरत फातिमा का भी दिल कांप गया, अजवाज का भी दिल कांप गया। सरकार दो आलम की आंख खुल गई, गशी का आलम था, खुल गई, कहा क्या हुआ फातिमा, ये घबराहट क्यों है? कहा हुजूर, कोई शख्स है बड़ा मुहीब है, बाहर खड़ा हुआ है, इजाजत ले रहा है, हमने नहीं दिया, तो इस जोर से निहायत मुहीब आवाज से उसने हम सबको आवाज लगाई। कहा फातिमा, तुम जानती हो कि वो कौन खड़ा है बाहर जो इजाजत ले रहा है? कहा नहीं हुजूर, हमें नहीं मालूम है। कहा वो जो लज्जतों को खत्म कर देता है, जो तमन्नाओं पे लगाम लगा देता है, जो अरमानों को नेस्त नाबूद कर देता है, ये वो इज़राइल मलकुल मौत है। ये कहीं पर आने के लिए किसी की इजाजत को इसको जरूरत नहीं होती, ये तो तुम्हारे वालिदे गिरामी तुम्हारे रसूल मुस्तफा जाने रहमत के शान और मर्तबा है कि अल्लाह का फरमान है कि मुस्तफा के घर में बगैर इजाजत के मत जाना, बगैर इजाजत के न जाना। कहीं इजराइल इजाजत नहीं लेता, लेकिन मुस्तफा के घर में इजाजत लेकर के जाता है। पता चला जब तुम मुस्तफा के घर की तरह नहीं हो सकते तो उनके नगर की तरह कैसे हो सकते हो, उनकी नस्ल की तरह कैसे हो सकते हो। तुम्हारे घर नहीं इजाजत लेने आएगा, तुम्हारे घर इजाजत लेने नहीं आएगा, मगर सरकार का घर वो घर है जहां बे इजाजत कोई नहीं आता। अहले बैत का घर वो घर है जहां फरिश्ते बगैर इजाजत के नहीं आते हैं। आए सरकार ने से अर्ज किया गया, साथ में एक और फरिश्ता है, एहतमाम रब्बी है, इब्रील अमीन भी हैं। क्या हो बात है? कहा गया रब की मर्जी है कि आप तशरीफ ले जाएं। कहा मैं उसके लिए तैयार हूं। सरकार तैयार। कहा कि ए जिब्रील, इससे पहले कि हजरत इज़राइल रूह को कब्ज करें, जिब्रील से हाल पूछा तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत को सजा दिया गया है और दोजख की आग को बुझा दिया गया है। अल्लाह का हुक्म हो गया कि दोजख की आग को बुझा दो, ठंडा कर दो और जन्नत को सजा दो। सोच लो, जन्नत तो खुद ही सजी हुई चीज है, जब उसे सजाया गया होगा मुस्तफा के लिए। लोग जन्नत में जाते हैं तो जन्नत ही सजी हुई है, लेकिन रूहे मुस्तफा को जाना हुआ तो उस जन्नत को भी सजाया गया। पता चला मुस्तफा का मकाम और है, मुस्तफा का मकाम और है। सारे फरिश्ते सब बसफ इस्तकबाल के लिए हुजूर हाजिर हैं, जन्नत में एहतमाम है, फरिश्ते हाजिर हैं, रब तबारक व ताला तुम्हारी लिकाकार तलबगार है, महबूब तुम्हारा, महबूब का महबूब इंतजार कर रहा है। सरकार दो आलम ने कहा ये सब बशारतें तो बहुत अच्छी हैं, और बशारत दो, और बशारत दो। कहा हुजूर, तमाम नबियों और उम्मतियों पर
जन्नत तब तक हराम है जब तक कि आपकी अहले बैत और आपकी उम्मत आपके साथ जन्नत में नहीं चली जाती। ये रब का इंतजाम है का और बशारत दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत पे बशारत मांग रहे हैं। जब सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत कैसे नमाज पढ़ेगी, कैसे हज करेगी, कैसे उनके आमाल बनेंगे, उनके बारे में क्या है, तो रब तबारक व ताला की तरफ से जो बशारत है जिब्रील ने सुनाई, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह तबारक व ताला आपकी उम्मत को बख्श देगा। ये मेरा रोना और गिरिया उजारी जो है ये उम्मत ही के लिए है। आपकी उम्मत को अल्लाह बख्श देगा। कहा कैसा बख्शेगा, कितना बख्शेगा? कहा सरकार रब ने आपसे वादा फरमाया है, वला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, अनकरीब अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। जब तक आप राजी नहीं होंगे तब तक आपको उम्मत को बख्शता रहेगा। जब राजी हो जाएंगे तब तक अल्लाह आपकी उम्मत को बख्शता रहेगा। सरकार अपने उम्मत की बख्शिश का परवाना पा करके फर्त व मसर्रत से मुतमईन हो जाते हैं और गशी आती है, आंखें बंद होती हैं, रूह कब्ज होने वाली होती। सैयदा फातिमा ने समझा शायद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा चुके हैं। तड़प कर बोली अब्बा जान एक मरतबा आँख खोलिए, कुछ कहिए, कुछ फरमाइए फातिमा से, बेकरार फातिमा से, इसका आपके बाद कौन होगा। सरकार दो आलम ने एक बार और आँख खोली, कहा फातिमा परेशान मत होना, सब्र करना। हसन हुसैन को सर पे हाथ रखा, तलकीन की, सब्र की तलकीन की, और कहा जब मेरी रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, यही साबिरों की निशानी है। उनकी निशानी यह है, इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो यही कहते हैं ये चीज़ अल्लाह ही की थी और उसी की तरफ लौटने वाली है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमत है, सलामती है, और वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तलकीन के बाद दाई अजल को लब्बैक कह दिया और विसाल इलाही से हमकिनार हो गए। हजरत फातिमा सब्र करते करते भी रोती रहीं, परेशान खातिर रहीं, वालिद की मोहब्बत में तड़पती रहीं हमेशा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर परेशान हुई कि मौला अली उनको सरकार दो आलम के रोज़े पर लेकर के जाते हैं तो जो अल्फाज और जो शेर आपने पढ़ा हजरत फातिमा ने, वो फसाहत व बलागत का आज मेयार बन गया। आपने फरमाया कि मेरी मुसीबतें, जितनी मुसीबतें मुझ पर डाली गई हैं, अगर इतनी मुसीबतें दिन पर डाल दी जाएं तो वो दिन उस मुसीबत के मारे रात बन जाए। ऐसी नज़ीर फसाहत व बलागत की हजरत फातिमा ने पेश की। और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीम के मुताबिक, इरशाद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा। जो सब्र रसूल से सीखा था वही सब्र हुसैन को सिखाया, जो सब्र रसूल से सीखा था वही सब्र जो है हसन को सिखाया। ये सैयद ख़ानदान, अहले बैत ख़ानदान, मौला अली, फातिमा, हसन, हुसैन सब्र की मिसाल बन करके चमके, सब्र का मेयार बन करके चमके, सब्र का किरदार बन करके चमके,
सब्र की सूरत और सीरत बनकर के चमके, चलते फिरते सब्र की तस्वीर बनकर के दुनिया के सामने नजर आए। जिसे सब्र सीखना हो अहले बैत मुस्तफ़ा से सीखे, जिसे सब्र के सीखना हो रसूल के घराने से सीखे। यकीनन जो लोग सब्र करने वाले हैं मुश्किलात में, परेशानियों में, दिक्कतों में, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के लिए मुजदा सुना रहा है, उलाइकल्लज़ीन सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। यही सच्चे लोग हैं और यही मुत्तकी लोग हैं, यही परहेजगार हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और इन साबिरीन और शाकिरीन की ज़िंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका इनके साथ हश्र और नश्र फरमाए, इनकी मोहब्बत में ज़िंदा रखे और इन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। सरवर कौनैन की आँखों के तारों को सलाम, सरवर कौनैन की आँखों के तारों को सलाम, सरवर कौनैन की आँखों के तारों को सलाम, सैयदा जहरा के सारे, सैयदा जहरा के सारे नूर पारों को सलाम, सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को सलाम, सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को, बेसहारा हो के पर्दे की बचाली आबरू, बेसहारा हो के पर्दे की बचाली आबरू, खानदान मुस्तफा की परदादारों को सलाम, सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को सलाम, सरवरे कौनैन की आँखों के को सलाम। लुट गया था घर का घर जिनकी नजर के सामने, लुट गया था घर का घर जिनकी नजर के सामने, उन असीरों दर्द मंदों गम के मारों को सलाम, सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को सलाम, सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को, हश्र तक उठती रहेगी जिनसे खुशबूए वफा, हश्र तक उठती रहेगी जिनसे खुशबूए वफा,
करबला में बसने वालों उन मजारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आंखों के तारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आंखों के तारों को सलाम। करबला में बसने वालों, करबला में बसने वालों के मजारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आंखों के तारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आंखों के तारों को सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मलिका बादशाह करीमा कारसा बंदा नवाज़ा बेनियाज़ा परवरदिगारा, जो कुछ भी हम सब से हो सका तेरी बारगाह में, तेरे महबूब की बारगाह में, महबूब के महबूबीन की बारगाह में, अहले बैत अतहार की बारगाह में ये महफिल सजाई गई है, जिक्र किया गया है, तस्करा किया गया है। मौला जो कुछ भी बयान हुआ है, बयान करने में, सुनने में, सुनाने में, उठने में, बैठने में कोई खता लग्जिश बेद भी हो गई, मौला अपनी रहमी करीमी के सदक़े माफ़ फरमा दे। हम सब की शिरकत को कबूल फरमा। जिसने इस मजलिस को, महफिल को सजाया है, संवारा है, मुनक़िद किया है, मेहनतें की हैं, कद्दो काविश की है, जिद्दोजहद की है, मोहब्बत से रात और दिन एक कर दिया है, मौला उन सब की ज़िंदगी में, कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। तमाम आफात अर्दी व समावी से महफूज फरमा। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। नस्ल दर नस्ल बरकतें अता फरमा। जो लोग भी इस मजलिस व महफिल में शरीक हैं, दूर और नज़दीक से इस महफिल को सुन रहे हैं, औरत मर्द बच्चे बूढ़े, सबकी शिरकत को कबूल फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्नाएँ मुरादें ख्वाहिशें हैं, सब पूरा फरमा दे। कोई दिक्कत है, मुश्किल है, परेशानी है, मौला उससे निजात अता फरमा दे। हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। अच्छाइयों की तौफीक अता फरमा, भलाइयों की तौफीक अता फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा। आयत करीमा की रोशनी में जो कुछ बयान हुआ है अब तक, उन सब चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। उन सब की बरकतें हम सब पे नाजिल फरमा दे। इन अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا المبارك والصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين